हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एटीएम से बगैर कार्ड के, अगर आप लोगों के पास है ये जो एटीएम का कार्ड होता है, अगर आप लोगों के पास ये कार्ड नहीं है और आप लोगों को पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप एटीएम मशीन से विदाउट एटीएम कार्ड के आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो को शुरू से एंड तक लाजम देखना है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो अभी मैं एक एटीएम मशीन पर आया हुआ हूं, तो यहां पर मैं आप लोगों को तरीकाकार बताऊंगा कि आप लोग कैसे यहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एटीएम कार्ड। अगर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, गुम हो गया, कोई भी रीज़न हो गई है, तो इनकेस ऑफ एमरजेंसी अगर आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो आप लोग किसी भी एटीएम से, जो आपकी बैंक का एटीएम होगा, वहाँ पर जाके तो आप एटीएम कार्ड के बगैर पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तो अभी हम लोग ये एक एटीएम पे आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कार्डलेस कैश, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई कार्ड वगैरह इंटर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये लैंग्वेज पूछेगा, तो आप लोगों ने अरबिक या इंग्लिश, जो भी आपकी प्रेफर लैंग्वेज है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपका अकाउंट होता है, हर अकाउंट होल्डर को एक 6 डिजिट का ऑथराइजेशन कोड मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो एक 6 डिजिट वाला कोड इसमें इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इंटर करके प्रेस, तो आपने इंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी 6 डिजिट डाल देता हूँ, 4, 5, 6, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपसे ये अमाउंट पूछ रहा है, सिलेक्ट अमाउंट। तो इनमें से अगर कोई अमाउंट आपको चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इससे ज़्यादा या कम चाहिए, तो अदर अमाउंट पे क्लिक करके, तो आप इधर से कुछ भी जो अमाउंट होती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है, तो ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद यहाँ से रिसिप्ट निकलेगी और यहाँ से आपके पैसे निकल आएंगे। तो क्योंकि मैंने वो जो ऑथराइजेशन कोड था, वो मैंने रैंडमली पिक किया था, तो इसने वो फेल कर दिया। तो अगर आप लोगों का जो ऑथराइजेशन कोड होगा वो वैलिड होगा, एक्टिव होगा, तो यहाँ से जितनी अमाउंट आपने डाली होगी, वो यहाँ से अमाउंट निकल आएगी, ये रिसिप्ट निकल आएगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दूंगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।